हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मूंग दाल से बनी हुई आज एक और मज़ेदार रेसिपी मैं लेकर आई हूँ। इसे आप स्नैक्स में सर्व कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी सर्व कर सकते हैं। इन भजियों का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट रहता है, तो इसे आप इफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिए। आज हम एक ही बैटर से दो रेसिपी बनाएंगे। तो सबसे पहले मूंग दाल को अच्छे से धोने के बाद कम से कम 2 घंटे के लिए भिगने के लिए छोड़ देंगे। 2 घंटे दाल को भिगाने के बाद इसमें हसबे जरूरत हरी मिर्च डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, इसे भिगे हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं, तो अब इसे हमें ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के लिए इसमें का पानी सारा निकाल देंगे। इसके बाद हसबे जरूरत हरी मिर्च डालेंगे। अगर जरूरत होगी तो 2 टीस्पून यानी 2 टीस्पून पानी ऐड करके इसे स्मूथ ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, मूंग दाल को तो स्मूथ ग्राइंड कर लिया है। इसे ग्राइंड करते वक्त मैंने 2 टीस्पून पानी ऐड किया है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा सा पानी डालकर ही इसे ग्राइंड करना है। अब इसमें ऐड करेंगे हसबे ज़रूरत नमक। इसमें और कोई भी मसाले नहीं डालना है, सिर्फ हरी मिर्च और नमक ही डालना है। उसके बाद इस तरीके से अच्छे से फेंटना है, यानी कि इसमें एयर भरना है। तो इसे अच्छे से फेंटने के लिए मैं हाथ का ही इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि इसमें हमें कुकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर नहीं डालना है। इसे इस तरीके से लगातार 3 से 4 मिनट तक फेंटेंगे तो ये बैटर लाइट हो जाएगा, तो पकोड़े बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी बनेंगे। इसे हम जितनी देर फेंटेंगे, पकोड़े या फिर भजिए जो भी कहिए, ये बहुत ही स्पंजी बनेंगे। इस तरीके से लगातार इसे फेंटते हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं, तो देखिए ये बैटर बहुत ही लाइट हो गया है। गैस पे मैंने तेल भी रख दिया है गरम होने के लिए, तो हाई फ्लेम पर तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से बैटर लेंगे, तेल में छोड़ देंगे। इसमें अच्छे से एयर भरेगी, तो जब इसे हम तेल में डालेंगे तो ये तेल के ऊपर फ्लोट करेगा। इसका मतलब इसमें अच्छे से एयर भर चुकी है और ये फ्लफी बनेंगे। इस तरीके से तेल में आहिस्ता से बैटर को छोड़ देंगे। ये तेल के ऊपर फ्लोट तो कर रहा है, लेकिन तेल अच्छे से गर्म नहीं हुआ, तो तेल को और थोड़ी देर हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। देखिए, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इस तरीके से इसमें हम पकोड़े डालेंगे। ये पकोड़े बहुत बड़े साइज़ के नहीं होते हैं, लेकिन आप अगर बड़े साइज़ के बनाना चाहो तो बना सकते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे। इस तरीके से तेल में आहिस्ता से पकौड़ों को डालेंगे। पकौड़ों को तेल में डालने के बाद गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। इस तरीके से इसे आहिस्ता से पलटेंगे। थोड़ी देर गैस की फ्लेम मीडियम और थोड़ी देर हाई करते हुए इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। देखिए, इसका कलर बढ़िया से गोल्डन आ रहा है, तो इसी तरीके से और थोड़ी देर फ्राई करेंगे। देखिए, ये फ्राई हो चुका है, तो इसे हम तेल से निकाल देंगे। इसी तरीके से सारे पकौड़े फ्राई कर लेंगे। इसी तेल में थोड़े से करी लीव्स और हरी मिर्च को भी फ्राई करेंगे, इसके साथ सर्व कर सकते हैं। करी लीव्स और हरी मिर्च का जायका इसके साथ बहुत ही बढ़िया रहता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे आप हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर कोई भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर सॉस के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो मैंने कई टाइप के चटनी की रेसिपीज आपके साथ शेयर किया है, सॉस की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। उन रेसिपीज़ को आप देखे होंगे, अगर नहीं देखे हो तो मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। देखिए, ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो इसे अब हम तेल से निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारे पकोड़े फ्राई कर लेंगे। अगर आप इसमें हरी मिर्च करी लीफ नहीं डालना चाह रहे हो, तो इसे डिश आउट करने के बाद जब ये गर्म रहेंगे तो इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल दीजिए। वैसे भी ये बहुत ही लाजवाब रहता है। तो चलिए, इसे यूज़ करते हुए एक और रेसिपी बना लेंगे। आज के मज़ेदार मूंग दाल के भजिए आपको कैसे लगे, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरीके के मज़ेदार से रेसिपीज अपलोड करूँगी तो आपको उसके नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएंगे। देखिए, मैंने दही लिया है बिल्कुल फ्रेश, तो इसमें डालेंगे हसबे ज़रूरत नमक और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। इसके दही बड़े भी बहुत ही मज़े के रहते हैं, तो आप इसे भी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है, तो अब इसमें डालेंगे पानी और इसे हल्का सा पतला कर लेंगे। पानी डालने के बाद एक बार फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें डालते हैं भजिए जो हमने फ्राई करके रखा है।
तो चलिए इसमें डाल देंगे। इसे अब तकरीबन आधा घंटे के लिए भिगने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद इसे सर्व कर सकते हैं। आप चाहे तो इसी तरीके से इसे सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें लगाऊंगी तड़का। नॉर्मली जिस तरीके से तड़का लगाते हैं, थोड़ी से तेल में राई, सूखी मिर्ची और करी लीव्स के साथ, मैंने बिल्कुल उसी तरीके से लगाया है। तो इसमें डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इफ्तार स्पेशल कई टाइप के दही वड़े की रेसिपीज मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप उन रेसिपीज को नहीं देखे हों तो मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। सभी का जायका बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि हमने हर रेसिपी में कुछ डिफरेंट किया है। तो चलिए फिर मिलते हैं कोई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय।